दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जहां भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की आग उगलती हुई गेंदों का ऐसा तूफान आया जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज सूखे पत्ते की तरह उड़ते हुए दिखाई दिए, और वहीं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से मैदान में कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जिन्हें शायद भविष्य में कोई बल्लेबाज तोड़ने की मंशा नहीं कर पाएगा। तो क्या कुछ हुआ पारी के उस आखिरी रोमांचक ओवर में? हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को कैसे स्तब्ध कर दिया, और आज कैसी रही भारतीय धुरंधरों की परफॉर्मेंस? क्या कुछ हुआ पारी के रोमांचक अंतिम ओवर में, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, और जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर अपने विपक्षी कप्तान यानी कि पाकिस्तानी की बल्लेबाजों को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए बड़ी चुनौती मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम मैदान पर आ चुके थे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने करी, और उनकी लहराती गेंदों के आगे पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज गिरते पड़ते नजर आए। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पहले ही ओवर में रिजवान को लगभग चलता कर दिया था, लेकिन डीआरएस ने उन्हें नया जीवन दान दे दिया। लेकिन जब भुवनेश्वर कुमार पारी का तीसरा ओवर लेकर आए, तब उन्होंने अपनी खौफनाक गेंद से बाबर को डराकर बैकफुट पर धकेल दिया। उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तानी फैंस के चेहरों की मुस्कान छीन ली। अब बल्लेबाजी करने के लिए फखर जमान मैदान पर उतरते हैं। उन्होंने आते ही अपने आक्रामक तेवर भारतीय खेमे को दिखाने शुरू कर दिए, और अर्शदीप सिंह की बाहर जाती हुई गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। वो हर एक गेंद पर बाउंड्री का प्रहार कर रहे थे, और उन्होंने अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को भी एक चौका जड़कर भारतीय खेमे को परेशान करना शुरू कर दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आवेश खान जब मैदान पर आते हैं, तो उनकी दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने एक करिश्माई छक्का जड़कर मैदान पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया, और अगली ही गेंद पर तूफानी चौका जड़कर भारतीय खेमे में सनसनी मचा दी। लेकिन आवेश खान ने पावर प्ले के अंतिम गेंद पर वापसी करते हुए फखर जमान को विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया, और पाकिस्तान की टीम को दूसरा झटका दे दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे इफ्तिकार अहमद ने उतरते ही अपने खतरनाक तेवर भारतीय गेंदबाजों को दिखाने शुरू कर दिए, और एक के बाद एक कई तूफानी बाउंड्री लगाकर तहलका मचा दिया, और इफ्तिकार अहमद खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या, और खतरनाक दिख रहे इफ्तिकार अहमद को अपनी खतरनाक गेंद से कैच करवाकर वापस पवेलियन भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का वो लम्हा आता है जिसने पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। दरअसल ये तो हार्दिक पांड्या के करिश्मे की शुरुआत थी। अपने अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की पारी के हीरो रहे मोहम्मद रिजवान को भी बाउंड्री पर खड़े आवेश खान के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी थी, और उनके आउट होने पर बल्लेबाजी पर उतरे खुशदिल शाह भी उनकी गेंदबाजी को समझ नहीं पाए, और बाउंड्री निकालने के चक्कर में रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे। उनकी इस खौफनाक गेंदबाजी ने भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, और वहीं पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरफ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे, और अब एक बार फिर से गेंदबाजी पर उतरे भुवनेश्वर कुमार ने अपना जलवा दिखाते हुए 150 छक्के मारने का दावा करने वाले बल्लेबाज आसिफ अली को बिना कोई छक्का जड़े वापस भेज दिया। अब तक भारत की तरफ से लगभग हर एक गेंदबाज विकेट ले चुका था, लेकिन भारत की तरफ से पहली बार खेलने उतरे अर्शदीप सिंह अभी भी विकेट के इंतजार में थे, यानी कि विकेटलेस थे। लेकिन अपने 18वें ओवर में बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के हाथों कैच करवाकर उन्होंने भी अपना करियर का बड़ा विकेट ले लिया, बड़े टूर्नामेंट में पहला विकेट। अंत के पारी का 19वां ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार ने दो गेंदों पर लगातार दो विकेट चटकाकर पाकिस्तान की पारी को ऐसे समेटा कि सब बस देखते रह गए। उनका आखिरी विकेट अर्शदीप सिंह को मिला, और पाकिस्तान ने मात्र अपनी पारी में 147 रन बनाए और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, 19.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए, और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई
चार बल्लेबाजों को। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने करी और उप कप्तान केएल राहुल उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यूट नसीम शाह गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए उतरे, यानी कि पहला ओवर, और अपने दूसरे ही गेंद पर उन्होंने भारतीय चेहरों की मुस्कान को छीन लिया और राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उनकी इस गेंद पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि राहुल आए, और आते ही पवेलियन वापस आ गए और राहुल के आउट होने पर किंग कोहली मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन पहली ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद हवा में चली गई। सबके चेहरे की मुस्कान उतर गई, लेकिन स्लिप में खड़े फील्डर ने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया और सबके चेहरे की मुस्कान एक बार फिर से वापस आ गई, क्योंकि विराट कोहली को यहां पर जीवन दान मिल गया। जब गेंद हवा में थी तो भारतीयों की सांसें थम गई थी, लेकिन कैच छूटने पर सभी भारतीयों ने चैन की सांस ली और विराट कोहली भी जीवन दान मिलने पर मुस्कुराते हुए नजर आए। पाकिस्तानी गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदें विराट कोहली को काफी परेशान कर रही थी और वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के तीसरे ओवर के बाद विराट कोहली ने एक शॉर्ट गेंद पर मिड ऑन के तरफ शानदार चौका लगाकर अपने ऊपर से दबाव हटाकर पाकिस्तानी गेंदबाज पर दबाव डाल दिया। विराट कोहली अब अपने आक्रामक रूप में आ चुके थे। उन्होंने हर एक गेंदबाजों पर बिल्कुल जबरदस्त प्रहार किया और विकेट के पीछे इतना शानदार छक्का लगाया जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम के पसीने छूट गए। विराट यहीं पर शांत नहीं हुए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपने पसंदीदा एरिया मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका लगा दिया और पाकिस्तानी खेमे में तहलका मचा दिया। विराट और रोहित काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मोहम्मद नवाज ने रोहित शर्मा को कैच आउट करवाकर भारतीय फैंस और डगआउट में तहलका मचा दिया। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद सभी को हैरान करते हुए सर रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे। अब इन दोनों के ऊपर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगले ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद नवाज ने मैदान में मौजूद हर एक भारतीय की धड़कनों को लगभग रोकते हुए विराट कोहली को आउट कर दिया। जी हां, यहां ये देखकर मैदान में सन्नाटा छा गया। विराट के वापस जाने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खड़े रविंद्र जडेजा मोहम्मद नवाज की आखिरी गेंद पर बिल्कुल सामने की तरफ छक्का लगाकर भारतीयों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगा देते हैं। सूर्य कुमार और रविंद्र जडेजा बहुत ही संभल कर लेकिन तूफानी तरीके से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और ऐसे में बाबर आजम डेब्यूट नसीम शाह को एक बार फिर से गेंद थमा देते हैं और नसीम शाह एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा देते हैं। सो अब चौथा विकेट आउट होने पर हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और अपनी दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर अपनी खतरनाक फॉर्म से पाकिस्तान को रूबरू करवाते हैं। अब मैच अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए तीन ओवर में 32 रनों की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा ने 18 ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेहद ही खतरनाक चौका, तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि जिसे देखकर पाकिस्तानी खेमा दहशत में आ गया और जडेजा और हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को जीत के बहुत ही करीब, यानी कि बाउंड्री लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों पर और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने एक खतरनाक छक्का जड़ा और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दिलाई। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में जीत के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली आने वाले मुकाबलों में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।